अब चलते हैं हम लोग कैंपटी फॉल, जो कि रास्ता वहां से है, तो लेट्स गो। कैंपटी फॉल के लिए निकल रहे हैं दोस्तों, तो रास्ते में रूफ टॉप दिख गया तो वहां रुक गए। सो अभी आपको दिखाता हूँ इसका कैसा व्यू आ रहा है शेट में। ये देखिए चाय आ गई दोस्तों। ये पी भी रहा कथा, तो गाइस मैं रास्ते में छूट गया। व्यू गाइस, व्यू इज इम्पोर्टेंट गाइस। तो हेलो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे वो है कैंपटी फॉल। तो बाइक अब चल रही है, बाइक खत्म हो रहा है, बहुत दिक्कत, टायर पंचर ना हो बस, बहुत क्या हो देखिए। ये मॉल रोड से कैंपटी फॉल है 13 किलोमीटर, टाइम लगता है आपको। अगेन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट टाइम लगने का रीज़न यही है कि चढ़ाई है, बुढ़े हैं, फिर उतरना भी है, और पहाड़ के बेसिकली जो है वो पूरा पीछे है ये, आपको पहाड़ी को ऊपर से कवर अप करके फिर घूमना पड़ता है। ब्रेक वाल डलवा लेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा ब्रेक को यूज़ किया है हमने, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ती ही है हिल्स पे। Book is the important is the guys. भैया दो बुट्टा देखो, नहीं बुट्टा देखो। Again is the guys, have is the fun. दो बुट्टा बोल तो जब तक वो भुट्टा ले रहा है हम यहाँ से देखते हैं व्यू, बिकॉज व्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई एम ब्लॉगर, यू नो नीड योर कैमरामैन, ओके? तो औकात में हो, यस। तो दोस्तों ये कैंपटी फॉल यहाँ से पानी नीचे आ गया, वहाँ उधर रह गई जाने की व्यवस्था, वहाँ ना आते हैं लोगों को। तो उसका जाने के दो तरीके हैं, एक तो वहाँ पे देखो स्टेयर्स हैं, दूसरा वो ये केबल कार के थ्रू आप जा सकते हो, रेलवे लगा हुआ है उसके थ्रू आता, उसकी टिकट लास्ट टाइम थी 110, अभी मुझे पता नहीं कितनी है, सो जाके पता करते हैं कितनी है, उसके बाद उससे जाएंगे हम लोग। हम लोग तो केबल कार से जाएंगे, डेट श्योर, टाइम ही अपने पास ना, और बाइक पार्किंग यहाँ तक कार पार्किंग है इधर कर सकते हो, और वहाँ से आप नीचे जाते हो और वहाँ नहाने की व्यवस्था है, वो हम आपको व्लॉग में दिखा देंगे। दिखा देंगे, लेकिन पानी इतना ठंडा होता है ना कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमारी ख़राब होती है, मैं बता नहीं सकता। तो एक और तरीका है यहाँ से सीधा नीचे कूद के, मतलब क्विक तरीका है, और आपको एक ही बार कैंपटी फॉल में जाना, दोबारा नहीं जाना, तो यहाँ से ये काम तुम सिर्फ जिंदगी में एक बार कर सकते हो, और वो करना सब्सक्राइब करके चैनल, हाँ सब्सक्राइब लाइक करके। ये गन्ने का जूस क्यों पी रहा, गर्मी ज्यादा है इसका। कितने का दिया गन्ने का जूस, 40 रुपए दर्जन, एक किलो। I saw a
यहाँ पे काफी अलग है। यहाँ पे जो शेर होते हैं वो थोड़े अलग दिखते हैं, मैं भी दिखाता हूँ यहाँ पे। समीर हमको पहचानती हो? तो ऐसा है कि हमने करी थी अपनी हायाबुसा को पार्क यहाँ पे, एंड जैसे हमने पार्किंग से सोचा कि बाइक निकालें तो हायाबुसा बन गई सिविजाइड एक्सट्रीम, जो कि बात अच्छी है नहीं। शेर ने हमें इग्नोर किया, देख सकते हो कितने मोटे फर हैं, और ये ऐसे मतलब लोकल डॉग टाइप से लग रहे हैं, बट फर देखो कितने शानदार है उसके। यहाँ लोग हैं आगे, कैंपटी फॉल हमको जाना था बट बेसिकली हम नीचे गए थे कैंपटी फॉल के, एंड जब हम नीचे गए तो हुआ ऐसा कि दो तरीके होते हैं कैंपटी फॉल में जाने का, जैसे बताया था क्या, इधर तुम चल के चले जाओ वरना तुम जो है वो जिप लाइन या वो यूज़ करके चले जाओ। हो गए थे प्रॉब्ली 5 बजे जिप लाइन बंद हो जाता है, तो 5 बजे गए थे और जिप लाइन के लिए अवेलेबल था और चल के जाने की हिम्मत है नहीं, मतलब वी आर लेजी एंड वी नो इट। तो अब हमने डिसाइड किया कि हम वापस जाएंगे ऊपर। हाँ बता दें 5 बजे तक जिप लाइन बंद हो जाती है, तो अगर आना हो तो प्लीज़ 5 बजे से पहले आएँ वरना चलने की हिम्मत रखें। आज वैसे भी कुछ खास भीड़ था नहीं वहाँ पर नीचे, तो हमें लगा नहीं कि नीचे जाने का फ़ायदा, खैर दिखाना तो हम चाहते थे बट अगेन टाइम भी नहीं हमको, देहरादून के लिए वापस निकलना है। आज रात को हम वहीं स्टे करेंगे एंड कल फिर बैक टू दिल्ली NCR। तो चलो ठीक है, निकलते हैं यहाँ से। टाइम हो रहा है 6:50 और थोड़ी वीडियो वो हो रही होगी, थोड़ी सी नॉइजी हो रही होगी आई एम श्योर, बट महंगा कैमरा है तो दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से क्या शानदार व्यू आ रहा है। हम जा रहे थे होटल के लिए देहरादून, एंड हमारा प्लान था कोई रुकने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जो उसमें निकल रहे थे, बट हमें जो दिखा हम उसे इग्नोर नहीं कर पाए। तो ये देखो क्या व्यू, ये तो मैं कैमरा में दिखा रहा हूँ, जो हम यहाँ पे आंख से देख पा रहे हैं आपको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, जो शानदार व्यू। अरे माशाल्लाह इतनी लाइटें और इतना खूबसूरत, मतलब अभी तो जबकि पूरी तरीके से अंधेरा हुआ भी नहीं है, अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तो अब हम नीचे जाते हैं और फिर करते हैं बात देहरादून पहुँच के, और अगर खुदा ना खास्ता फिर से डाइवर्ट हो गया तो फिर देखते हैं। तो अब चलते हैं देहरादून। बैक टू होटल, कालू खड़ा, थैंक्स कालू। ये भी हमारे साथ था ट्रिप में, सो बाइक लॉक, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो सुबह के 3:00 आई थिंक 45 वगैरह हो रहे होंगे, एंड अगेन मेरा पैशन है सुबह सुबह चैनल हैक करना, तो मैंने कर लिया चैनल हैक। और रूम की हालत देखो, पैकिंग वगैरह ऑलमोस्ट हो ही गई है, और इस ऐप में लाइक 3:45 समथिंग हो रहा है, 4 बजे तक हमारा छोड़ने का प्लान था पर वहाँ से समय पर उठे ही नहीं, एक्चुअली वहाँ से रात भर सोए ही नहीं क्योंकि फ़ोन चलाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लॉग से। तो हो रही है शायद शोबिस, उसकी तो चेंज भी तो टाइट करानी है, उसके बाद उसमें फ्यूल टैंक फुल कराना। तो भाई कहने के लिए देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल रिपोर्ट ना करें, बस 2000 मीम बना के छोड़ दें क्योंकि हमको पॉपुलरिटी चाहिए, बाकी आप समझदार हो। तो माइक वगैरह फिक्स चल रहा है ठीक है, एंड महंगा कैमरा तो पता ही है कि कितना महंगा कैमरा यूज़ होता है ब्लॉग बनाने के लिए ठीक है। तो ठीक है अब हम यहाँ से निकलते हैं और फिर मिलते हैं। साले कैमरे की बात मत कर, कैमरा तो
खेत से गन्ना चुरा लिए, इतना खा लिया, खा लिया भाई, पेट खा लिया। तो वी आर बिटवीन द मुजफ्फरनगर एंड बीरठ समवेयर, फ्यूल टैंक खाली होगा तो फुल करा रहे हैं, फिल पूरा करना, उसके बाद चलते हैं। टाइम पता नहीं कितना हो रहा है। गाइस वी आर समवेयर एंड वी डोंट नो वेयर वी आर, मेरठ बाईपास करके बता रहा, 60 किलोमीटर है अभी। और टाइम क्या हो रहा है अभी, 9 बजे हम लोग निकले थे 6:30 बजे वहाँ से, अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। सो 6:30 से 9 बज रहे हैं और मेरठ क्रॉस कर लिया हमने, यहाँ से अब 60 किलोमीटर रह गया, बस चलते हैं कहीं थोड़ा रेस्ट देने बाइक पे, क्योंकि जब से चले हैं तब से डायरेक्ट 90, 110, 115 के आसपास जा रहे थे हम स्पीड में। बाइकर मिलता है, एक और चीज़ बता देता हूँ आपको मैं, रूट दो हैं, हरिद्वार वाला और ऋषिकेश वाला रूट अलग है, और जो ये देहरादून से वापस आते हैं वो रूट अलग है। तो ये देहरादून वाला रूट बढ़िया लगा हमें, क्योंकि खाली रहता, ट्रैफिक भी नहीं होता था ना, हरिद्वार वाले में जाते हैं अंदर से उसमें ट्रैफिक बहुत होता है, तो देहरादून वाला उससे आना कम रूट से हो तो बेटर पड़ेगा वो, क्योंकि ट्रैफिक होता नहीं है, खाली रहता ज़्यादातर, और एक्सप्रेस वेज हैं और मज़ा आता, और क्या बस समाप्ति। और मिलते हैं कहीं अगली जगह, अगले ब्लॉग में, कहीं और पता नहीं कहाँ। सो नेक्स्ट ट्रिप देखो शायद बाइक से ही होगी ना, बाइक से चलेंगे जहाँ भी चलेंगे, हाँ मे बी हिमाचल, और शायद हिमाचल हो सकती है, वी आर नॉट श्योर। एग्ज़ाम के बाद यानी, हाँ देखो कब होता, जब स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, जब स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद देखो कब की ट्रिप होती है, वी डोंट नो। सो बाय ऑल, बाय गाइस, बाय बाय बाय, कीप सपोर्टिंग, लाइक सब्सक्राइब करके कीप सपोर्टिंग।